हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी। विजय जी, हिमाचल प्रदेश में हैं आप, कैसा माहौल देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में? मैं तो आज ही आया हूँ, लेकिन रास्ते भर जो मैंने लोगों से बातें की हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पूरे देश ही में लहर है मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो 5 साल का जो शासनकाल रहा है माननीय वीरभद्र सिंह जी का, वो इतने आरोपों में और इतने घोटालों में से घिरा हुआ है कि उनकी छवि जो है, जो उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर का प्रोजेक्ट किया है, तो मैं तो आश्वस्त हूँ कि यहाँ भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और जो वादे घोषणा पत्र में हो रहे हैं वो वादे पूरे होंगे। क्या आप इसलिए भी आश्वस्त हैं कि यहाँ कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती, हर 5 साल और बदलाव होता है, इसलिए भी आप अपने लिए एक आसान रास्ता देख रहे हैं? राजनीति में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, जनता जो है वो राजनीति में और चुनाव में बहुत दिलचस्पी रखती है और समस्याएं समझती है, विश्वास की बात होती है, वोट विश्वास पे पड़ता है, और आज जो जनमानस है उसका विश्वास मोदी जी पे है। जो इस तरह से केंद्र सरकार ने 3 साल में बिना भ्रष्टाचार के किसी आरोप के साथ सरकार चलाई है, विश्व में सम्मान बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने के खिलाफ सारा विपक्ष एक हो गया और नोटबंदी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया और गुमराह किया जनता को, और उनको लगता था नोटबंदी के मुद्दे पे वो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है बीजेपी को पलट देंगे, लेकिन क्या हुआ? विजय जी, सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम तय किया है हिमाचल के लिए, उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इतने दिन जो कैंपेन किया है, तमाम आला केंद्रीय मंत्री आला नेता, इतनी जो ताकत बीजेपी लगा रही है, कहीं ना कहीं फीडबैक आपके पास इस तरह का है कि बीजेपी बैकफुट पर तो नहीं है? बैकफुट पर भी चौवे छक्के पड़ते हैं, फ्रंटफुट पर भी पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बैकफुट भी बहुत मजबूत है, फ्रंटफुट भी बहुत मजबूत है, और आप देखिएगा जब चुनाव आएंगे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। 2/3 बहुमत से यहाँ सीट जीत रही है बीजेपी, और मुझे ऐसा लगता है कि हरीश रावत का इतिहास वीरभद्र जी बिना दोहराएं और खुद अपनी सीट हार जाएं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं कांग्रेस के लिए हिमाचल में, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। आप लोगों की तरफ से एक भ्रम की स्थिति रही, उम्मीदवार तय हो गए लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ, अचानक कैंपेन के बीच में और हिमाचल में मुख्यमंत्री तय किया गया, ये दबाव में लिया गया कि दबाव था कि कांग्रेस लीड ले रही है, या इसके पीछे वजह क्या रही, इतनी देरी क्यों हुई? अमित शाह जी अध्यक्ष हैं हमारे, वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं से और संगठन की राय से ही एक अपना मन बनाते हैं, चुनाव के टिकट बटे ताकि उसमें कोई गुटबंदी ना हो, और मेरिट पर टिकट बटे हैं, और उसके बाद जो यहाँ से संगठन की राय थी, जो यहाँ के जो नेताओं की राय थी, जो यहाँ प्रचार करने उनकी राय थी, कि उन्होंने उचित समझा, और ये भी सब जानते थे, हम लोग सब जानते थे कि धूमल जी को होना है, तो जो उनको होना था तो पहले घोषणा कर दी, ये एक अच्छा कदम है जिसके सकारात्मक रिजल्ट आएगा। आखिरी सर सवाल आपसे, आपको लगता है कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय अगर चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता और ज़्यादा क्लियर मैसेज रहता, ज़्यादा वक्त मिलता? कांग्रेस ने हिमालयन ब्लंडर किया है, हरीश रावत को वहाँ ना हटाना जो इत्यारोपों में घिरे थे, और वीरभद्र सिंह जी को यहाँ ना हटाना, यह बहुत ही घातक है, और यही एक बड़ा भारी फैक्टर होगा जो कांग्रेस की यहाँ शिकस्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। विजय बहुगुणा जी को आपने सुना, उनका दावा है कि 2/3 बहुमत से बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी, हालांकि इसी तरह के दावे कांग्रेस भी कर रही है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल और उसके नेता इसी तरह के दावे करते हैं, लेकिन इनके दावों में दम कितना है ये 18 दिसंबर को साफ होगा जब नतीजे सामने आएंगे। कैमरामैन अश्विनी ठाकुर के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, शिमला।